हैशटैग बॉयकॉट पूजा भट्ट। आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी भी कंटेस्टेंट के लिए इस तरीके का हैशटैग नहीं लागू हुआ है दोस्तों। जी हाँ, और अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी पोल पट्टी खोल के रखता हूं कि आखिरकार ये क्या माजरा है। आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, मेरा नाम है राहुल भोज, सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कॉमेंट सेक्शन में लिंक है यारो, जाओ जाकर वहां पर ढेर सारा प्यार बरसाओ, उसे भी सपोर्ट करो। तो हैशटैग बॉयकॉट पूजा भट्ट क्यों ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे? सबसे पहले तो आपको बता दो दोस्तों, तो पूजा भट्ट जिस तरीके से मुद्दों को मोड़ के बिग बॉस के घर में राजनीति करते हुए नजर आई हैं, या फिर कहीं ना कहीं फेम ग्रुप को तोड़ते हुए नजर आई हैं, मनीषा के अगेंस्ट जिस तरीके से चीजें घेराबंदी करते हुए नजर आई हैं, तो लोगों को ये बातें पता चल गई हैं। अगर आप सोशल मीडिया इस वक्त उठाते हैं, हैशटैग मनीषा तो ट्रेंड कर ही रहा है, उसके साथ साथ हैशटैग बॉयकॉट पूजा भट्ट भी ट्रेंड कर रहा है। आज तक बॉयकॉट बॉलीवुड होता था या फिर हैशटैग बॉलीवुड की कोई फिल्म आती थी तो वो होता था, लेकिन अब हैशटैग पूजा भट्ट हो रहा है दोस्तों। और ये पूजा भट्ट के उन स्टेटमेंट्स या फिर उन बातों को लेकर जो एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के लिए उन्होंने बोला, और वीकेंड पे जब उनकी क्लास की बारी आती है तो हमेशा वो बच जाती हैं, ऐसा क्यों भला? तो पूजा भट्ट के लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर मनीषा से घिन आती है तो क्यों उससे बात करती है, आपको ये चाहिए कि भाई आप लोगों की जी हजूरी करे और मनीषा आपकी जी हजूरी नहीं कर रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपने ये गंदी बातें बोली या फिर नार्सिसिस्ट बोला मनीषा को, और ये बात बोल दी कि कैसे वो जो है तुम लोगों को चला रही है, उन सारी बातों को रख दिया कि कैसे वो चीजें कर रही है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आता है कि क्या पूजा भट्ट इनसिक्योर भी है? वैसे मुझे ऐसा देखने में लगता है, ओवरव्यू अगर आप मेरा पूछेंगे, मेरा स्ट्रांग ओपिनियन रहता है, आपको भी पता है और आपका और मेरा बहुत मैच करता है ओपिनियन, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग ओपिनियन यही कहता है कि पूजा भट्ट को कहीं ना कहीं अब वो गेम ऐसा बना दिया उन्होंने, क्योंकि जिया उनके अंडर है, बेबिका उनके अंडर है, अभिषेक से वो पंगा नहीं ले सकती, एल्विश से वो पंगा नहीं ले सकती, बचा कौन? मनीषा, बाकी अविनाश विनाश ये तो सब उसी के अंडर ही है, ठीक है, पूजा भट्ट के अंडर ही है। तो यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं उन्हें लग रही है कि यार एक तो मेरा फैसला गलत हो गया, जनता ने जो है मेरा फैसला गलत कर दिया, ऊपर से जो है मनीषा इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर पूजा जी ने ये बात शायद दिल पे ले ली है और इस वजह से वो इस तरीके की हरकत कर रही है। खैर वैसे जनता ने सब देख लिया है दोस्तों, और जनता जो है यही कह रही है हैशटैग बॉयकॉट पूजा भट्ट, हम ना उनकी आने वाली फिल्में देखेंगे ना ही आलिया की फिल्म देखेंगे। ये भी हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये भी हो रहा है, लोग ये भी कॉमेंट कर रहे हैं उसमें कि आलिया की आने वाली ये अभी जो आई है फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी, हम उसे भी बॉयकॉट करते हैं और उसको भी नहीं देखेंगे। खैर ये ऑडियंस के पर्सनल व्यू पॉइंट है, आई हैव नो राइट टू से एंड आई हैव नो राइट टू लागू माय ओपिनियन ऑन देम, बट हाँ यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि पूजा भट्ट कहीं ना कहीं मनीषा से थोड़ी सी इनसिक्योर सी हो गई है, थोड़ा सा वो इसी चक्कर में उन्हें जो है घेराबंदी कर रही है, और तरह तरह चाहे बॉडी शेमिंग हो चाहे हाइजीन को लेकर हो, ये सारी चीजें मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है सर, बताएं।